मोदी जी के आत्मनिर्भर के मंत्र ने एक किसान की तस्वीर ही बदल दी। लगभग 2000 क्विंटल गन्ने से बनाने लगा शुद्ध देसी गुड़। मोदी जी की आत्मनिर्भरता के मंत्र ने एक किसान की बदल दी तस्वीर। लगभग 2000 क्विंटल गन्ने से बनाने लगा शुद्ध देसी गुड़। प्रतिदिन बन रहा है 5 से 7 क्विंटल देसी गुड़। दादा और पिता गुड़ बनाते हैं, पोता गरीबों में मुफ्त की बांटता है देसी गुड़। जिनका कहना है कि लगभग 70 बीघा खेत में गन्ने की फसल खड़ी थी, जो अलग अलग जिलों में गन्ने के रस के दुकान वालों को सप्लाई की जाती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गन्ने के रस की दुकान बंद हो गई। सोचा कि पूरी फसल को आग लगाना पड़ेगी, लेकिन टीवी पर मोदी जी के आत्मनिर्भर बनने की बात सुनी तो आइडिया आया कि क्यों ना इस गन्ने का देसी गुड़ बनाकर बेचा जाए। दूसरे दिन से देसी गुड़ बनाने का सामान जुटाया और काम चालू कर दिया। ये गुड़ शुद्ध देसी तरीके से बनाया जाता है, भिंडी की जड़ से साफ किया जाता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। एक बीघा में कम से कम 250 क्विंटल गन्ना होता है और 70 बीघा में गन्ना लगाया था। लॉकडाउन में इसे बेचने का कोई रास्ता नहीं था। पिताजी ने मोदी जी को सुना तो उन्होंने देसी गुड़ बनाने की प्लानिंग कर ली और गुड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। फसल जलानी पड़ती तो नुकसान भी होता, देसी तरीके से गुड़ बना रहे हैं। इसमें जो गन्ने का कचरा निकलता है उसी को रिसाइकल करके जला रहे हैं। अगर गुड़ नहीं बनाते तो काफी नुकसान होता, लोग शुद्ध गुड़ को लेने आ रहे हैं, यही पर देसी गुड़ बनते हुए भी देख रहे हैं। 5वीं में पढ़ने वाले नन्हे रणविजय सिंह का कहना है कि इस बार गन्ने की फसल खड़ी रह गई तो दादू और पापा ने सोचा कि इसका गुड़ बनाते हैं। फिर यह गुड़ बनाने की चरखी लगाई और गुड़ बनाने लगे। यहाँ से मैं गुड़ ले जाकर गरीबों को फ्री देता हूँ, स्कूल के दोस्तों को भी देता हूँ, सबको अच्छा लगता है, सब मेरी तारीफें करते हैं। मैं पापा और दादू के साथ रोज रात को यहाँ आता हूँ और रात भर यही करता हूँ। बड़ा होकर खेती किसानी का काम ही करना चाहता हूँ। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। ये सुपरा है। इसको बच्चे को बताओ किस टाइप से बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतेश जाट है। प्रीतेश जी, किस तरह से आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी और क्या गुड़ जो बनाया उसके पीछे क्या लॉजिक? गुड़ बनाने के पीछे लॉजिक तो कुछ नहीं है, बस बात नहीं है कि अभी आप सभी को मालूम है कि अपने पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और पिछले 2-3 महीने से सभी रोज़गार सब ठप पड़े हुए हैं, और ये जितना भी हमारा गन्ना था यहाँ पर 70-80 बीघा का जो भी गन्ना था हमारा, ये पूरा खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि सब मधुशाला में जाता था। 4-5 ज़िलों में, मंदसौर ज़िले में, रतलाम ज़िले में, नीमच ज़िले में, प्रतापगढ़ ज़िले में, पास में राजस्थान लगता है, तो अब ये सब पूरा का पूरा खड़ा का खड़ा रह गया गन्ना। एक दिन हमारे फादर को आइडिया आया मोदी जी का आत्मनिर्भरता का सुन के, तो उन्होंने इस पर उसी दिन दूसरे दिन इस पर काम चालू कर दिया, गुड़ बनाने की प्रक्रिया, शुद्ध देशी गुड़। क्यों ना अपन सबको शुद्ध और देशी गुड़, पूरा ऑर्गेनिक अच्छा गुड़ खिलाया जाए सबको, तो उन्होंने वो विधि चालू करके फिर ये बनाना चालू कर दिया गुड़। किस तरीके से गुड़ आपने देखा है, पूरा सिस्टम में पूरा चरखी लगा रखी है और एक जगह रस इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से फिर सप्लाई होता है, उसमें
उसमें जाता है। नहीं नहीं कुछ नहीं, केमिकल नहीं, पूरा शुद्ध ऑर्गेनिक काम है। भिंडी का जो बीज है, जड़ होती है, उनको कूट के उसको उसका उपयोग करके उसका जो मेल वगैरह रहता है वो उससे साफ़ किया जाता है। लोग बाग जो है गुड़ बनाने की विधि में कास्टिक सोडा वगैरह और अन्य चीज़ प्रकार की चीज़ डालते हैं जिसको हानिकारक होता है वो पदार्थ, लेकिन अपन बिल्कुल शुद्ध और देशी गुड़ बना रहे हैं। पर डे आप कितना गुड़ बना रहे हैं? पर डे ये गर्मी का समय चल रहा है तो ये गुड़ रात रात में शाम को 5 बजे से बनना चालू होता है जो सुबह तक बनता है। ये 6-7 क्विंटल करीब रात भर में तैयार हो जाता है एक बार में, 7 क्विंटल 8 क्विंटल। क्या नाम है आपका? रणजय सिंह जाट। क्या कौन कौन आपके घर में काम करते हैं और आपको कैसा लगता है? मेरे दादू, मेरे पापा और ये सब काम करते हैं। यहाँ पे गुड़ बनता है तो मैं पापा के साथ मैं भी आता हूँ, यहाँ देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारा गुड़ बनता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, तो मैं रोज आता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ से गुड़ ले जाता हूँ, फिर वहाँ सबको मेरे दोस्तों को देता हूँ, स्कूल में वालों को भी देता हूँ, वो भी बहुत तारीफ करते हैं गुड़ के लिए। वहाँ मोहल्ले में सबको बांटते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ से, गन्ने का रस भी ले जाते हैं, गुड़ भी ले जाते हैं, सब ले जाते हैं, तो फिर मैं भी खुश होता हूँ, फिर मैं भी आता हूँ। हाँ, गरीबों की बस्ती में बांटा और जो गरीब गरीब लोगों के ना उन सबको सप्लाई करा, सबको बांटा। यहाँ आगे बादरी गाँव है वहाँ पर भी सबको बांटा, सब जगह पूरे फार्म हाउस में जितने भी गरीब लोग हैं सबको बांटा और सब। भौजी, क्या नाम आपका? चमन सिंह नैन। खेती के बारे में आप जो अभी इतने साल से करते आ रहे थे, इस साल में और पिछले सालों में क्या? इस साल में क्या, बिल्कुल चरखियां शहर में बंद होगी सब लॉकडाउन की वजह से, गन्ना जानना बंद, रात में नींद नहीं आती थी कि भाई इस गन्ने का क्या होएगा, आग लगा के बाहर निकालना पड़ेगा। फिर मोदी जी को देखा कि आत्मनिर्भर बनो एक दिन टीवी पे, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चरखी लगाए अपन, तो साहब फिर चरखी लगाई हमने इधर उधर से जुगाड़ करके और अब गुड़ बनाने लगे। 60-70 क्विंटल गन्ना रोज रात में निकाल देते हैं। कितना गन्ना होता है? मेरे पास गन्ना होता है, आप ये मान लो कि 60 बीघे में 1 बीघे में 270 और 300 क्विंटल निकल जाता है एवरेज। तो गुड़ किस तरीके से बना? गुड़ ये पहले तो रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद वो कढ़ाव में आता है, फिर उसमें भट्टी में आग जलती है और उसमें भिंडी का पानी डालते हैं उसकी सफाई के लिए, कोई केमिकल नहीं डालते, बिल्कुल एकदम देसी। नहीं तो लोग जो गुड़ बनाते हैं उसमें हेडरो डालते हैं और वो हेडरो जानवरों की हड्डियों का पीस के बनता है, गाय और भैंस की हड्डियों का, जो शक्कर में भी आता है और बाजार में जो गुड़ आता है उसमें भी आता है हेडरो, वो जानवरों की हड्डी का बनता है पीस के। अच्छा, तो ये गुड़ दूसरे गुड़ से कैसे अलग है? ये अलग ऐसा है कि ये बिल्कुल देसी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। और यदि जो गन्ना है अगर वो आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते तो क्या करते हैं? बस आग लगाते हैं। बताइए किस तरीके से? खेतों में आग लगानी पड़ती? हाँ, खेतों में आग लगानी पड़ती है अगर ये चरखी का नहीं सोचते तो।